फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं झीनो का शॉट। मैं आज आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी, खट्टा मीठा चटपटा सा लॉन्ग टाइम चलने वाली आम का अचार। लेकिन मानिए, यह अचार बहुत अच्छा बन के तैयार होने वाला है। इसमें कुछ सीक्रेट टिप्स भी है, वो मैं बनाते समय बताऊँगी। ये सीक्रेट टिप्स को आप लोग फॉलो करेंगे तो आपका अचार भी अच्छा बनेगा। तो मेरा वीडियो लगातार देखते रहिए और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैं अचार बनाने के लिए ये आम लिया हो, थोड़ा बड़ा आम लेना है तो इसमें अचार अच्छा बनेगा। और ये आम गुठली हो गया है, गुठली होने से और अच्छा बनेगा। और ये आम चाकू से नहीं काटेगा, इसको दूसरा चीज से काटना पड़ेगा, इसलिए मैं काट के रेडी करके लेके आती हूँ। देखिए, आम को मैं काट के रेडी कर लिया हूँ। देखिए, ऐसे आम होगा। और आप जब आम काटेंगे उसको पहले आम को अच्छा से धो लेंगे, धो के बाद ही आम को काटिए, क्योंकि आम काटने के बाद धोना नहीं है, आम काट के बनाना है। धोएंगे तो आम का अचार ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। अभी आम को मैं साइड में रख देंगे। अभी मैं गैस को पहले से जला के गर्म होने के लिए रख दिया हूँ। अभी मैं इसमें तेल डालेंगे। यही देखिए सरसों तेल, सरसों तेल थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये तेल ही आपको अचार को अच्छा रखने में हेल्प करेगा। और सरसों तेल जब भी बनाइएगा सरसों तेल से ही बनाइएगा, दूसरा तेल से मत बनाइए। मेरा ये 250 ग्राम तेल है। मेरा आम 2 किलो था, 2 किलो में 250 ग्राम तेल लगेगा। तेल गर्म हो गया। अभी मैं इसमें डालेंगे 5 फोरन। ये देखिए 5 फोरन डाल रहा हूँ। ये लाल मिर्च डालेंगे, गोटा जीरा भी डाल देंगे। अभी ये अजवाइन है, इसको भी डालेंगे। इसको मैं हल्का फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा टाइम तक फ्राई नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा। अभी मैं देखिए इसमें डालेंगे अदरक। ये पेस्ट नहीं बना हुआ है, ये दरदरा पीस लिया है। अब जब भी डालिएगा दरदरा पीस के डालिएगा, इसमें अचार टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए मैं इसमें डाल देता हूँ। ये सब चीज़ें आपका अचार को अच्छा रखेगा। अब तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। अभी देखिए, मैं 2 किलो आम है, मतलब मैं 1 किलो गुड़ लिया हूँ। ये गुड़ को भी मैं इसमें डाल दूँगी। 2 किलो आम है, मतलब 1 किलो गुड़ है। जो भी बनाइएगा गुड़ से बनाइएगा। ये गुड़ तेल में मेल्ट हो गया है। अभी मैं इसमें आम डालेंगे धीरे धीरे। तो अच्छे से मिलाना है गुड़ का साथ। अभी मैं देखिए इसमें डालेंगे काला नमक। नॉर्मल नमक नहीं डालना है, काला नमक ही डालना है। अभी देखिए, ये मैं डाल रहा हूँ जीरा पाउडर, एक काली मिर्च पाउडर है। अभी अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अभी मैं इसको नरम होने के लिए ढक के 20 मिनट के लिए रख देंगे धीमे आंच में। ये देखिए मीडियम लो फ्लेम में इसको मैं गर्म होने के लिए, नरम होने के लिए रख देंगे। अभी देखिए 20 मिनट हो गया। मैं अभी खोल के देख लेता हूँ कैसे हो रहा है। ये देखिए
ऊन के साथ ज़्यादा मेल नहीं हुआ है, मेल भी नहीं, ज़्यादा मेल भी करेंगे भी नहीं, ऐसा रहेगा। लगातार चलाते रहना है, नीचे जल सकते हैं, जल जाएगा तो अचार टेस्टी नहीं लगेगा, इसलिए लगातार चलाती रहिए इसको। सूखा होने तक पकाएंगे। लगातार धीरे धीरे चलाना है, नहीं तो ये आम मेल्ट हो जाएगा दूध के साथ ज़्यादा। हम ऐसा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए मेरा अचार बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं अचार कैसा बना है, बहुत अच्छा बना है। देखिए ज़्यादा मेल भी नहीं हुआ, देखिए बहुत अच्छा बना है। अभी देखिए मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और ठंडा होने के बाद गैस का जार में मैं रख देंगे। इसी टाइप का जार में आप रखिएगा अचार, तो आपका अचार बहुत अच्छा रहेगा। अभी मैं गैस को बंद कर देता हूँ, अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी देखिए आम का अचार ठंडा हो गया है, अभी मैं इसको कांच का जार में डालेंगे। देखिए कांच का जार है, इसमें डाल देंगे। ठंडा होने के बाद ही जार में डालिए, नहीं तो जार फट जाएगा। ये देखिए मेरा अचार बन के तैयार हो गया है। अभी इसको मैं ख़राब ना हो इसलिए मैं उसको तेज़ धूप में सुखाएंगे, ये ढक्कन दे के नहीं सुखाएंगे। जब भी सुखाएंगे तो जालीदार कपड़ा से ढाँक के सुखाएंगे, क्योंकि धूल मिट्टी ना जमे। आप लोग जब भी सुखाइएगा तो जालीदार कपड़ा से ढाँक के सुखाइएगा, और ये धूप तेज़ धूप में जब सुखाएंगे ये अचार थोड़ा सूख जाएगा, सूखने के बाद और टेस्टी लगेगा और बहुत अच्छा अचार बन के तैयार हो जाएगा। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर इसको बनाइएगा, और बना के पूरा परिवार के साथ इंजॉय कीजिए। उम्मीद करता हूँ मेरा ये आम का अचार का रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा तो आप लोग इसको मेरा हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल का आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे।